देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं पहले वाले वीडियो में, बस उसे मैं थोड़ा रिकॉल करें। ठीक है, देखिए कहता है 196 kg के सेब में 40% पानी है, 5 दिन के बाद यह सूख जाता है और पानी की मात्रा 30% हो जाती है। ठीक है, तो सूखे फल का वजन क्या है? तो अब हमें यह तो पता है, हमने पहले ही आपको बताया कि सेब जो होता है, चाहे फ्रूट कोई भी हो, फल हो, उसका वेट, फल का वजन जो होता है दो चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तो होता है पल्प वाला भाग, मतलब गुद्दा, जिसको गुद्दा बोलते हैं, और एक होता है वाटर वाला। ठीक है, तो जो ताज़ा फल होता है उसमें वाटर होता है ज़्यादा, और क्या होता है कि सूख जाता है तो वही वाटर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो वजन घटता है या बढ़ता है, कम वजन का कम होना और ज़्यादा होना किस पर डिपेंड करता है, क्यों करता है, वाटर पर। ठीक है, तो बताइए कि जो सूखा फल होगा और जो ताज़ा फल होगा उसमें पल्प वाला पोर्शन, मतलब जो गुद्दा वाला पोर्शन होगा वो तो बराबर ही रहेगा, गुद्दा का तो बराबर होना है। ठीक ना, कम या ज़्यादा कम होगा पानी होगा। ठीक है, तो गुद्दा हमेशा बराबर होगा। तो कहता है कि 196 kg में 40% पानी है, पहले ही करा चुके हैं सॉल्यूशन में, क्या करें, 196 में 40। अब देखिए अगर यहाँ हम लिख दे रहे हैं समझाने के लिए सूखा फल और यहाँ है ताज़ा, ताज़ा में बताइए कि अगर एक्स के जी है, ठीक ना, ताज़ा फल में पल्प जो है वो एक्स के जी है, तो इधर भी पल्प क्या हो जाएगा, एक्स के जी ही हो। ठीक ना, मतलब पल्प का भाग हमेशा बराबर होता है, वो ताज़ा फल में जितना है उतना ही होता है किसमें, ताज़ा फल में जितना है उतना ही किसमें होता है, सूखा फल में होता है। ठीक ना, बस पानी की मात्रा बदलती है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको, दूध वाले में भी करवाया है। ठीक है, कि कौन सा चीज़ कॉन्स्टेंट रहता है, तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या नहीं बदलेगा, तो आप कहिएगा यहाँ नहीं बदलेगा, वो क्या होगा, वो पल्प होगा। तो 40% अगर पानी है तो पल्प कितना हो जाएगा, 60%। ओके, और इधर से देखिए कि सूखा वह ये क्या है, ये है ताज़ा फल का 60%, ताज़ा फल जो है उसका 60% क्या है, पल्प। तो इधर सूखा वजन का तो हमको पता नहीं, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और उसका कितना परसेंट पल्प, अब 30% जो है वह पानी हो गया, तो पल्प कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, आप कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 9 = 14, 7×8 = 56, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया, 28 × 6 = 56, कितना गया, 28 × 6 = 56, 28 × 20 = 6 हो जाएगा, 168 आ जाएगा टोटल। ठीक है, मतलब उस सूखे वजन फल का वजन कितना है, 168 के जी। ठीक ना, 196 से कितना हो गया, 168। एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप बनाइए। ठीक है, अब यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 200 kg, सेम क्वेश्चन 200 kg है, और यहाँ मान के चलिए कि 60% पानी है। ठीक, अब क्या हुआ कि ये 30% पानी। ठीक, तो कहता है सूखा वजन, सूखा का वजन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए फिर से सॉल्यूशन क्या क्या करें, कि पल्प का पोर्शन बराबर कर देंगे, 200 में 60% अगर पानी है तो 40 भाग होगा पल्प का। ठीक है, इधर से सूखा फल का वेट तो हमें पता नहीं है, ताज़ा फल में 60, तो सूखा एक्स मान लेते हैं, तो उसमें पानी है 30%, तो बताइए 70% क्या हो जाएगा, 70% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 800/9। आप सॉल्व कर लीजिए, मन से लिया हुआ क्वेश्चन है इसलिए एडजस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगाना है। ठीक है, वहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने शुरुआत की है, इसलिए कि आप उस वाले को समझ पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है 75 लीटर पानी में, ये इम्पोर्टेंट आप है पूछ सकता है। ठीक है, चीनी तथा पानी, चीनी तथा पानी, 75 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में, मिश्रण में चीनी 30% है, चीनी कितना है, 30%। कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए,
चाय की पानी की मात्रा 70% हो जाए, पानी कितना हो जाए 70%। अब आप इसी क्वेश्चन को सेम रूल जो हमने बताया है उससे आप करके देखिए, कर पा रहे हैं? देखिए अब मुझे बताइए कि 75 लीटर, ठीक है, अभी है मार्केट में लेके जाओ, उधर चले जाओ, आवाज मत करो, मिल्क इज टू वाटर है, ठीक है, तो इसमें जो मिल्क होगा, ठीक, अब पानी मिला देंगे और एक में क्या हुआ ये मिश्रण, ठीक है, और दूसरा में क्या हुआ कि पानी मिला दिए, तो बताइए कि यहाँ अगर एक्स मिल्क है तो यहाँ भी तो एक्स ही मिल रहेगा, मिल्क रहेगा, क्योंकि हमने आपको बहुत बढ़िया से बताया पिछले में, क्योंकि पानी डाला जा रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ कौन फिक्स हो जाएगा, चीनी फिक्स रहेगा, ताकि ना, अरे एक कप में अगर मान के चलो कि 1 ग्राम चीनी डाले, ठीक है, और 1 ग्राम पानी डाल दिए, 1:1 का रेशियो है, दूसरा कप में अब इसी में क्या करते हैं कि 5 ग्राम और पानी डाल दिए, चीनी बढ़ जाएगा, चीनी कभी नहीं बढ़ेगा, चीनी तभी बढ़ेगा जब उसमें चीनी डाला जाएगा, तो यहाँ कौन सा चीज कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट उनको बराबर करते हैं जो हमेशा बराबर रहता है, वहाँ पल्प का पोर्शन बराबर था इसलिए पल्प को बराबर कर रहे थे, यहाँ क्या बराबर रहेगा बताओ, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ चीनी बराबर है, अकेला चीनी बराबर है क्योंकि पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो मिश्रण में यहाँ पे पानी 30%, ठीक है, ठीक है, अब बताइए तो कैसे बनाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चीनी का अमाउंट बराबर है, तो 75 लीटर में 30% अगर पानी है तो चीनी कितना होगा 70, ठीक है, इधर देखिए आप कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए, क्या बात कर रहे हो, है तुम घर जाओ, है लड़की घर जाओ, चलिए अब यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे पता नहीं कि टोटल मिश्रण कितना होगा, क्योंकि मिश्रण पता होता तब ना उसका 70% निकाल लेते हैं, 30% उसका चीनी निकाल लेते हैं, यहाँ पता नहीं है कि कितना पूरा मिश्रण कितना हो गया है, जब पानी डाल दिए हैं कुछ पानी डाले कहता है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी तो पता नहीं कितना पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण का अमाउंट हमें पता नहीं है, तो मिश्रण निकाल वाला एक्स मान लेते हैं, और तब कहता है कि पानी 70% हो जाए, मतलब अब ये क्या आएगा 30%, ये क्या निकला है ये बताओ, तो ये चीनी का अमाउंट, चीनी किसका अमाउंट है, चीनी, ठीक है, क्योंकि दोनों मिश्रण में पहले वाले और बाद वाले में चीनी हमेशा बराबर है, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 25 दिया 75 कर सकते हैं, एक्स बराबर कितना आ गया 175, कितना आ गया 175, एक्स बराबर क्या आ गया 175, ठीक है, तो अब 175 क्या है ये बताइए, तो 175 दूसरे का वजन है, दूसरा वाला मिश्रण जो है उसका वजन कितना है 175, तो कितना मिलाए होंगे, 75 से हो गया 175, तो मिलाया गया भाग कितना हो गया 100 लीटर मिलाए होंगे, 75 से हो गया 175 हो गया, तो कितना पानी मिलाया होगा 100 ही तो मिलाया होगा, मिलाया गया पानी की मात्रा 175 और -75, क्योंकि 75 लीटर का था हो गया 175, कितना 100 लीटर ही मिलाया होगा, ठीक है, समझ पा गए, दूसरे क्वेश्चन इसको और समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बदलते रहे, अब आप करेंगे, कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण घोल में 40% चीनी है, क्या है चीनी है 40%, आपको खुद बनाना है, तो रोक के अगर बढ़ गया समझ जाओ कि सीख गए, नहीं बना समझो नहीं सीखे, ठीक है, कहता है इस घोल में कितना चीनी मिलाया जाए, इसमें कितना चीनी मिलाया जाए, चीनी की बात नहीं, चीनी मिलाया जाए कि मात्रा जो है वो 50%, चीनी मिला रहे तो चीनी बदलेगा, तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 50%, ये क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनाओ बता रहे हैं कि, लेकिन तुम वीडियो रोक के बनाओ, ठीक है, देखो 300 ग्राम में अब यहाँ पे क्या फिक्स है बताओ, चीनी डाल रहा है, चीनी में डाल रहा है तो पानी फिक्स है, चीनी का अमाउंट बढ़ेगा, तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट चीज को हमेशा बराबर करते हैं, तो कांस्टेंट अब यहाँ कौन रहने वाला है, पानी रहने वाला है, तो 300 में 40% अगर चीनी है
तो 60% पानी होगा बाकी ना। अब देखो नया जो घोल बना, घोल जो नहीं का, अब जब इसमें कुछ डाल दिए, कुछ चीनी डाल, ये पहले वाला है, पहले वाला ये वाटर और शुगर है, ठीक है, और कुछ चीनी डाल दिए तो घोल तो बढ़ेगा, ठीक है, घोल बढ़ेगा तो वाटर तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि चीनी डाल रहा है तो चीनी में जाके मिलेगा, लेकिन वाटर पानी अभी भी कांस्टेंट है तो पानी बराबर है। लेकिन यह दिया हुआ है कि नया मिश्रण जो है 50 लीटर हो गया, 60 लीटर हो गया, 300 केजी, 500 केजी, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ मान लेते हैं कि नई का जो ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो एक्स है नया मिश्रण का वजन, नया मिश्रण का वजन। इसका मतलब क्या, जो नयका वाला जो मिश्रण तैयार हुआ चीनी डालने के बाद जो अब मिश्रण बना है उसका वजन, तो एक्स मान लिया। और उसमें बताओ कि चीनी है 50%, तो चूंकि पानी को बराबर कर रहे हैं, पानी यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ 50% पानी का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ काट लो, 5×6=30, मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 360। एक्स बराबर कितना आ गया 360 ग्राम। अब बताइए कि कितना 300 ग्राम था मिश्रण, अब ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, तो नई का मिश्रण का वजन है, 300 ग्राम पहले था, 360 ग्राम हो गया है नई का, तो कितना मिलाया होगा चीनी, तो मिलाया गया चीनी कितना हो गया 360 में से क्या घटा दे, 300 ग्राम घटा दे, तो 60 ग्राम ही तो बड़ा। अब इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि 300 ग्राम का था मिश्रण और 360 ग्राम मिश्रण हो गया, कह रहा है कि चीनी डाले हैं तो चीनी 60 ग्राम तो डाला होगा, ठीक है, चलिए। अब देखिए अभी कुछ डाल रहे थे, कुछ डाल अलग से कुछ डाल रहे थे मिश्रण में, अब क्या होगा कि कुछ उड़ा देंगे, कुछ हटा देंगे, ठीक ना, उस टाइम के देखेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में, ठीक ना, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, 300 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में आपको बनाना है 60% चीनी, ठीक, इसमें है, कितना चीनी मिला है, जाएगी चीनी 80%, कितना हो जाए 80%, चलिए बनाइए, ठीक है। तो आपको क्या सिखला है, अब देखिए क्या है कि कितना मिला जाए कि 80%, तो 300 ग्राम है। अब यहाँ बताओ कौन सा कॉन्सेंट्रेट है, सोचो, सोच के बताओ कि 300 ग्राम है, देखिए ये मिश्रण का अमाउंट दे रखा है, ये वाला मिश्रण है, आराम से देखिए ये 300 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 300 ग्राम दे रखा है। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ चीनी डाल दी, तो अब बताओ कि कुछ चीनी डाल दिया तो वेट तो बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, तो नया वाला मिश्रण बना होगा, नया वाला, ठीक ना, तो अब नया वाला बना होगा तो बताइए कि चीनी जब डाले हैं तो यहाँ मान के चलो कि 60% जैसे चीनी है, 40% उसका क्या है पानी, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, मानो 120 हो गया और ये 180 है मानो, तो यहाँ पे 120 है क्या चीनी और 180 क्या है पानी। जब चीनी डालेंगे तो चीनी वाला ना बढ़ेगा क्या, पानी का मात्रा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब चीनी डाला रहा है चीनी बढ़ेगा, पानी कांस्टेंट रहेगा, हम कांस्टेंट टर्म को ही बराबर करेंगे, तो 300 का बनाओ खुद से, ठीक है, और उसका कितना परसेंट, 60% चीनी है तो पानी कितना होगा, क्योंकि पानी को सोच रहे हैं आप, यहाँ चीनी ले रहे हैं, चीनी डाल रहा है तो पानी लेंगे, पानी डालेगा तो चीनी का अमाउंट लेंगे, तो पानी होगा 40, ठीक है। और इधर देखिए नयका वाला मिश्रण, इसका वेट आपको पता है, जैसे यहाँ 300 ग्राम दिया है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसको क्या मान लेंगे एक्स, और उसका कितना परसेंट चीनी है, चीनी है 80%, मतलब पानी कितना होगा 30%, 20×40, तो एक्स बराबर कितना हो गया 600, एक्स बराबर कितना हो गया 600 ग्राम। एक्स क्या है, नयका का वेट है, हम पूछ रहे हैं कि कितना और चीनी मिलाया जाए, तो 300 ग्राम से 600 ग्राम तो मिलाया गया चीनी, क्या हो जाएगा 600-300 बराबर 300, ठीक है।